कुछ तो है। कुछ क्या, बहुत कुछ है वासिफ। मतलब एहसान के साथ कुछ तो अलग है। आपको ये कुछ समझने की जरूरत नहीं है सर। यानी हद हो गई सर, फट गया ऊपर वाले। फिर से तबीयत खराब है मिस गुल। मुझे पता है क्या हुआ है, चलो मेरे पास आओ। अब शायद ईमान की बारी है। लगता तो है सही कहा। हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते, इनके साथ रहना होगा ना। हमें एमीन को अकेला छोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि उसे इसी की जरूरत है। इसकी जरूरत है अकेलेपन की। देखो ये सोचने की बात है कि अकेलापन भीड़ से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। यानी मतलब कुछ लोग खुद को तभी ढूंढ पाते हैं जब वो अकेले होते हैं। भीड़ में जिंदा रहना उनके बस की बात नहीं। उसके बाद वो खुद से मिल जाते हैं और खुद से मिले बिना दुनिया से मिलना नामुमकिन है। एमेस्टोस गार्पोस सत्राडिवारियस। बीप। सही कहा। अब चलो मेरे साथ। मॉम, 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 अरे आओ बेटा। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। हाँ आप ठीक लग रही हैं वैसे। दरअसल ठीक नहीं हूं। क्यों, क्या हुआ? कभी औरत से मत पूछना क्यों। अच्छा ठीक है। थैंक यू। मॉम मैंने पेंगुइन्स को हरा हरा रंग दिया। मैंने पेंगुइन्स को हरा हरा रंग दिया। मॉम मैंने कहा पेंगुइन्स को हरा हरा रंग दिया मैंने। मेलिस अच्छी लग रही है। क्या अच्छा है मिस्टर अय्यूब? मैंने सुना है कि आप फुटबॉल फील्ड बेच रहे हैं। वहां पेपर्स तैयार करने हैं अंकल आसिफ। हाँ जरूर जरूर। कॉन्ट्रैक्ट रेडी है क्या? ये रहा देखिए। मॉम आपने ऐसा क्यों किया? तुम मुझे कैसे भुला सकते हो? मॉम हम इतनी मस्ती कर रहे थे। मैं हंस हंस के पागल हो रही हूँ, इतना मजा आ रहा है।
क्या है, क्या चल रहा है? सब ठीक है। सच है ये? क्या सच में ठीक हो तुम? हाँ। तो फिर सोने क्यों जा रही हो? नींद आ रही है। झूठ बोलती हो। हाँ, तुम्हें लगता है सोने से सब चला जाएगा? नहीं जाएगा, वो सोने से सिर्फ वक्त गुजरता है। और तुम तो कब से उस दर्द को सुलाना चाहती हो? जब भी आंखें खोलोगी तो पाओगी कि वो तो अब तक वहीं है। वो जो कल भी वहीं था, कल भी वही महसूस हुआ था। बाहिनी तरफ की करवट बन के, गले में रूंधा हुआ एहसास बन के वो वहीं है। वही पुराना कुछ मॉडल वेस्ट पहन लो तुम। मुझे पहनना मत भूलना, वही रंगीन वाले मुझे पहनो। तुम्हें तो आईने में देखना भी अच्छा नहीं लगता, कम से कम मुझे ही अच्छे पहन लो। जब शादी करके आई थी तब से यही मुझे पहनती हूँ। जब हाई स्कूल में थी तो इन्हीं मुझे को पहन के थिएटर जाया करती थी। गजब जिंदगी थी ना, जब एक नाटक देखा करती थी, अ टिकट टू द फ्यूचर। अ टिकट टू द फ्यूचर जिसका मेन एक्टर हायरी गुजायरत, वो शख्स जिसे तुम कभी भूल नहीं सकी। उस नाटक की कहानी है कि हर कोई एक टिकट खरीद सकता है अलग अलग समय काल में जाने के लिए, और टिकट बेचने वाला अपने कोच के साथ खुद दुनिया की सैर करता है, सारी पेंगुइन्स को हरे रंग में रंगता है। सारी पेंगुइन्स हरी हो गई थी। सच में? बेशक। हम आखिरी बार कब मिले थे? ठीक से याद नहीं मुझे। गर्मियों के दिन थे, शायद वो सितंबर का महीना था। चलो उसे गर्मियों के नाम से ही याद रखते हैं। मॉम, मॉम, सारे पेंगुइन्स को हरा हरा रंग दिया मैंने। हेलो, सारे पेंगुइन्स को मैंने हरा हरा रंग दिया। जहां मुझे सुकून मिलता है वो है थिएटर। ये दुनिया भी फिर किसी मंच जैसी लगने लगती है, और दिल वहीं पे रह जाता है। रोमियो और जूलियट, दुनिया की ऐसी नायाब कहानी जिसे देखकर तुम जूलियट ही बन जाओ। ये लो। हम लोग तो केवल हंस रहे थे, फिर आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मुझसे आंखें चुरा रहे हो? कुछ हुआ था उस दिन, तुम्हारे अलावा भी कुछ और हुआ था। तुमने हायरी को पिराए के साथ देखा, और उसके बाद तुम्हारा दिल टूट गया था। कुछ हुआ था उस दिन जिसने तुम्हें बिल्कुल हरा दिया था। कुछ हुआ था उस दिन, फिर तुम्हारी शादी हो गई। तुमने शादी क्यों की? जिससे प्यार नहीं करती क्या उसके साथ रह पाओगी? रही तो थी। निकाटी अच्छे इंसान थे, पर उनका प्यार अलग था। उन्हें पसंद करती थी, हर रात उनके साथ थी। पेट से थोड़े मोटे थे, पर हाँ, कभी उनसे प्यार नहीं हुआ। फिर मैं माँ बन गई और युप ने जन्म लिया, फिर मेलिस का जन्म हुआ, फिर निकाटी खो गए और उन्हें कहीं ढूंढा तक नहीं। जिसे तुम जानते ही नहीं उसे ढूंढोगे कैसे? उसे नहीं जानती या खुद को? और अकेले रहना भी इतना आसान होगा कभी सोचा नहीं था। उस गले में फंसी फांस को कैसे निकालेंगे, कैसे बताओ?
क्या प्रॉब्लम है? हमें आने नहीं देंगी क्या? नहीं। लेकिन मैं पूछती हूँ क्यों आखिर? बस मेरी मर्जी। ठीक है ठीक है, पर हमें आपकी मदद चाहिए। तुम सिर्फ मांगने के लिए ही आते हो ना? ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? क्या चाहिए? एमिने तुम ठीक हो लेकिन सबसे अलग क्यों हो गई हो? तुम्हें इससे क्या? एमिने तुम ठीक तो हो ना? मैं सूप बना दूं फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। हेल्थ सेंटर में एक डॉक्टर है, वो बहुत अच्छा है। मैं ले चलती हूँ, तुम जिद मत करना। अब चलो भी, चलो ना। मेरी बात क्यों नहीं मानती? इतनी जिद किस लिए? हाँ, मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, पागल कहीं की। चलो यहां से, चलो। दिमाग खराब है उसका। जो जिंदगी को मुश्किल करते हैं उनसे क्या मिलना। कादर ये भी जब देखो अपनी ही परेशानियां गिनाती रहती है, पर पहले तुम्हारा हाल पूछेगी, जैसे तुम्हारा बड़ा ख्याल हो उसे, पर तुमसे काम निकाल लेगी। और जिन्हें तुम्हें दिलचस्पी हो उनसे दूर रहो, जो सिर्फ बुरे वक्त में तुम्हारे साथ आते हैं उनसे भी दूर रहो, और जो बिना वजह मुस्कुराते हैं उनसे भी दूर रहो। वो बॉयफ्रेंड जो तुम्हें गाने सुनाए उसे भी छोड़ दो। अगर कोई बिल्ली पाली है तो उसे भी छोड़ दो। कोई अलग सी दोस्ती निभाए तो उन्हें भी छोड़ दो। और वो दोस्त जो मौका परस्त हो, जो मौका दे कि तुम्हें छोड़ के औरों को चुन ले, कोई क्यूट, कोई पिंपली, कोई मोटा, कोई कमजोर, घमंडी या मासूम, बदतमीज, थोड़ा या कम तमीजदार, जो भी हो तुम्हें दोस्त बनाए। पर तुम दोस्त नहीं परछाई बनती हो, तुम परछाई बन के रह जाओगी। अगर इतनी समझ आ जाए तो दूर हो जाना, अकेली रहो, अकेली रहो एमिनी। ताजी हवा खाओ, सैर पर जाओ, पर अकेली रहो तुम। इनकी दोस्त मत बनो, तुम अकेली रहो। मॉम। क्या? मैं मैदान बेचना चाहता हूँ। ओके। उस पैसों से मैं टैक्सी खरीदूंगा। ओके। और बाकी पैसे मैं अपनी शादी में लगाऊंगा। अपनी शादी में? हाँ, शादी, बच्चे, घर परिवार, आबादी वगैरह। क्या उम्र है तुम्हारी? 42। वाह, तुम भी चले शादी करने? किससे करोगे? हाँ, एक लड़की से ही शादी करूंगा। आ? मैं काम शुरू करने के लिए सोच रहा हूँ, एक टैक्सी ड्राइवर बन जाऊंगा और फिर फैमिली के साथ में रहना चाहता हूँ मैं मॉम। मैंने ऐसा सोचा है। बोजा ड्रिंक तैयार है।
चलो मेरे साथ। मैंने आपसे ही पूछा है मैम। मैम, अगर और देर करोगी तो आपका नाटक छूट जाएगा। कौन सा नाटक? दुनिया की सबसे उदास कहानी, देयर इज नो मोर। नो मोर? हाँ बिल्कुल। कम ऑन, अब देर मत करो। डरने की जरूरत नहीं। तू कोच कौन चला रहा है? घोड़े, मतलब मेरा घोड़ा वो चला रहा है। घोड़ा? हाँ, मुझसे बेहतर तो घोड़ा ही है। देखो, मुझे खतरा नहीं मोड़ लेना, दो बच्चों की माँ हूँ मैं। दरअसल घोड़ों से ही गाड़ी चलती है, और इस वक्त तो आपको बच्चों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। क्या मतलब है? अब अपने बारे में भी कुछ सोच लो। क्यों? क्योंकि बच्चे भी तो अपने बारे में ही सोचते हैं। मेरे बच्चे ऐसे बिल्कुल नहीं है। ऐसे हैं? नहीं है। वो है, पता है, आपकी बेटी आपके सोने के बाद अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है, और आपका बेटा आपकी जमीन बेचकर टैक्सी खरीदकर शादी करना चाहता है। उसकी शादी के बाद आपका क्या होगा? आप अनचाही चीज बन जाओगी। कभी सोचा है इस बारे में? आज तक उनकी हर बात मानी, उन्होंने जो चाहा आपने किया, अब आगे क्या करोगी? वो अलग कर देगा। वो करेगा। हम कहाँ जा रहे हैं? जो नाटक आपने बचपन में मिस कर दिया था, हम वो देखेंगे। आज आखिरी दिन है। हर वो शख्स जिसने वो नाटक मिस किया और जिंदगी में गलत राह चुनी, वो वही मिलेगा। हर कोई? अपनी हर ख्वाहिश पूरी करो। उठो, जाओ, जाके सो जाओ। यू टैक्सी, हाउ मे हेल्प यू? क्या टैक्सी टैक्सी लगा रखा है? अपने बाप जैसे मत बोलो तुम। क्या हो, क्या गया है मॉम? अब तक तो सुबह भी नहीं हुई है। देखो, अच्छा सबक सिखाऊंगी अगर तमीज से बात ना की तो। हाँ, पर आप मुझे मार क्यों रही है मॉम? बिना वजह मुझे मारो मत, मैं बड़ा हो गया हूँ। मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। क्यों मार रहे हो आप मुझे? मत मारो आप मुझे, बिना वजह आप मुझे मारते हो। मेलिस? हाँ बोलो। मुझे खून खराबे से डर लगता है। देखो, तुम्हें डरने के लिए जरा सा भी वक्त नहीं मिलेगा तैफूर। मुझे इस जिंदगी से बचा लो। तैयार हो? शायद नहीं हूँ। अरे तैफूर, तुम भी ना। हिम्मत से काम लो तैफूर, क्या तुम मेरे सपनों के मसीहा नहीं हो? क्या मतलब है तुम्हारा मेलिस? अरे मतलब मुझे बताओ, तुम एक सच्चे मर्द हो कि नहीं तैफूर? रुको, काटता हूँ। नहीं तैफूर, रुक जाओ, तुम सही आदमी नहीं हो। हम बिना वजह तो नहीं मरेंगे ना, क्या पता ऊपर की दुनिया में मिले ना मिले। अरे मैं नस काट तो रहा हूँ, क्या बोले जा रही हो तुम? मैं नस काटू कि नहीं काटू, एक चीज बोलो तुम। आई एम सॉरी, पर मैं बहुत बोर हो गई हूँ तैफूर। मैं कभी अपने ही माँ और भाई से बोर हो जाऊंगी, ऐसा कभी सोचा ही नहीं था मैंने। परिवार एक टाइम के बाद बहुत ही बोरिंग हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये तुम्हारा घर ही नहीं है। मुझे इसका हल ढूंढना होगा। अरे तुम किसी भी काम के नहीं हो तैफूर यार। आई
अंकल वासिफ, आपको कीमत ज्यादा लगी है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। आप समझ गए ना मेरी बात? आप शाम को कॉफी हाउस में मुझे मिलिए, मुझे एक टैक्सी खरीदनी है, मुझे काम करना है क्योंकि मुझे शादी करनी है। आप समझिए मेरी बात को, मुझे शादी करनी है, घर बेचना पड़े तो मैं वो भी करूंगा, मेरे तरफ से तय है, मैंने तय कर लिया है, हम देखेंगे जो होगा। ठीक है अंकल आसिफ, मैं फिर बात करता हूं आपसे, देखते हैं, अभी मैं चलता हूं। ठीक है, मॉम मैं सो रही हूं और मुझे उठाना मत, मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं करूंगी। ठीक है, मैं कॉफी हाउस जा रहा हूं, ब्रेकफास्ट नहीं खाऊंगा, कुछ काम निपटाना है मुझे। अमिनिकस, हम खाने के लिए आए थे, आ जाएं क्या? वैसे तुम ये ड्रेस आज रात तक सिल देना। इतनी जल्दी कैसे होगा? उसे बोलो शादी में कुछ और पहन लेना। शादी में नहीं, थिएटर में। थिएटर? थिएटर में बोरको इंस्ट्रूमेंट बजाएगी, गजब की लव स्टोरी सुनाएगी। हम भी तो जाया करते थे, याद है वो दिन? तुम तो एक्ट्रेस बन सकती थी, निकाती से शादी क्यों कर ली मुझे तो अब तक समझ नहीं आया। तुम तो हायरी के साथ एक्टिंग करना चाहती थी ना, तुमने सब नाटक याद किए, फिर क्या हुआ? फिर आय को हायरी मिल गया और तुम्हें निकाटी। औरत ऐसी ही होती है, जब आदमी को कोई और मिल जाती है तो हम भी सहारा ढूंढ लेते हैं, अगर हम सबर करते तो जिंदगी कुछ और ही होती, किसे पता। अब और क्या बोलूं, तुम बस ये ड्रेस सिल देना। हाँ तो दोस्तों, ये बात मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि थिएटर एक पब्लिक आर्ट है और हम इसे मिलकर स्टेज पर करेंगे और मैं इसका डायरेक्टर बनूंगा। नाटक? कौन सा नाटक? एक प्ले जिसमें जर्नलिज्म होगा बच्चों का खेल। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बच्चों का खेल नहीं है, प्ले होगा। दुनिया की सबसे रोमांटिक कहानी और इस वक्त वो कहानी हमारे सामने है, रोमियो और जूलियट। कल से हम लोग रिहर्सल करने वाले हैं। अच्छा लग रहा है, तुमने सुला बुर्गु के लिए? खुद का सामना करो एमिनी, अतीत को सुधारने का ये मौका है। एक ग्लास बूजा पियो, चलना शुरू करो और थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। हाँ अंकल वासिफ। लड़कियों को लगता है कि वो माँ से ज्यादा स्मार्ट है, पर माँ से स्मार्ट वो कभी बन ही नहीं सकती। बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले माँ को छूता है, माँ ही इस डरावनी दुनिया में उसे वो सुरक्षा देती है। तुम्हें नहीं लगता है मिनी? मेलिस, तुम्हारी माँ घर पे है? हाँ शायद। घर पे है या नहीं? देखिए मुझे नहीं पता, अब मैं चलती हूँ, मुझे और भी काम है।
अयो, तुम्हारी माँ घर पर है? सब पागल हो गए हैं यहाँ। चलो एमिने, एमिने तुम सो रही हो? हमेशा डर जाती हो ना? तुम डरी हुई नहीं हो। कभी कभी मुझे देखो, यो धीरे धीरे नहीं, खुल के मुझे बताओ कि तुम डरी हुई नहीं हो क्या? यही तो मेरा काम है। क्या काम है तुम्हारा? मैं दरअसल कोच वाली हूँ। तुम्हारा एक कोच मैन है, नाम है इरफान, हर वक्त गाली देता रहता है। तो फिर मैं क्या करूँ? क्या सब कोचमैन एक से नहीं होते हैं। मुझे लगा तुम्हें जरूरी काम है। आप रेडी हो? एमिने दरवाजा खोलो, बुरको का ड्रेस लेना है। अगर आप हाई स्कूल में जूलियट बनती तो अब आपकी जिंदगी आज से बिल्कुल अलग होती। यह सब पिराए की वजह से है, उसी की वजह से। टेक इट इजी, किसी पे नाराज मत हो, किसी को दोष मत दो, सब आपके हाथ में है। स्टेज पे जाओ और एक्ट करो, अपनी तकदीर बदलो। देखो, हमारी जिंदगी पूरी तरह से इत्तेफाकों पे टिकी हुई है। अगर आप सही जगह पे सही चीज करोगे तो जिंदगी जी जाओगे, पर अगर नहीं करोगे तो फिर मायूस रह जाओगे। निजाती का और आपका मेल ही नहीं था, आप एक टैलेंटेड आर्टिस्ट हो, ये सब कभी मत भूलना। अपनी मंजिल को खोना मत, अपनी हसरत और हुनर को मिलाओ, जिंदगी का खोया प्यार मिल जाएगा, हर तरह की खुशी मिल जाएगी। वो क्या है? अरे ऐसे ही तो बोलते हैं। आप समझ गई ना? आप तब समझ जाओगी जब ये सब कुछ सच हो जाएगा। तुम कौन हो? कोच वाली को क्या हुआ? ये नाम रखा है मेरा। क्या नाम रखा है मेरा? तुमने नाम भी तो नहीं बताया, क्या हुआ? हमेशा जो होता है वो क्या? यहाँ से आपको पैदल जाना होगा। यहाँ से पैदल? आपको वहाँ पहुँचना है कि नहीं? आप पर बच्चे मेरे बिना परेशान होंगे ना। अरे फिर से बच्चों के बारे में ही सोच रही हो? जिंदगी बदल जाएगी आपकी। घोड़े पे जाना है क्या? नहीं, मैं खुद जाऊंगी, खुद ही चले जाऊंगी मैं। जा सकते हूँ अब। किस तरफ जाना है मुझे बता। सीधी चलती जाओ, जाओ, नाटक शुरू होने वाला है। एमिने, एमिने तुम कहाँ हो? मुझे कुछ पता नहीं। ओह निकटी, तुम्हें मैं झूठा फरेब यूं ही नहीं कहती। तुम यूं ही नहीं जाते तो मेरा ये हाल ना होता। देखो कहाँ हूँ मैं। काश कभी तुम मेरे जज्बात भी समझ पाते, मेरी उदासी और नफरत का कारण ढूंढ पाते तुम। ओह निकटी, मेरे बच्चों तक को मेरी कोई जरूरत नहीं है। तुमने सुना ने काटी, मेरे बच्चे यू मेलिस, किसी को मेरी जरूरत नहीं, वो दूर हो चुके हैं। पर मैं उन्हें ढूंढ लूंगी, अकेली नहीं रहूंगी। और सच्चा प्यार, वो क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? अयूब, ये जो कार है खरीद, मैं कहता हूं ना तुम्हें, इसे खरीद लो, खरीद लो, खरीद लो। 4 doors, 1300cc, 3 cylinders, स्पीड 180 kph, और इसके पार्ट्स तो किसी भी किराने की दुकान पे मिलेंगे।
मैं कहता हूँ खरीद लो। हम इस बार कामयाब होंगे तैफुर, हम दूसरी दुनिया के कितने करीब हैं। हाँ, हमारे सपने जरूर सच होंगे। तुम रेडी हो मिलिस? हाँ तैफुर। मुझे तैरना नहीं आता मिलिस। तैफुर प्लीज मुझसे ये कह दो कि ये एक मजाक है। नहीं ये मजाक नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ मिलिस, मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है। तो फिर तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो तैफुर, मेरे साथ क्यों मरना चाहते हो? अरे क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मरने चली हो तो मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ? अब हम क्या करें? मुझसे पूछ रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम्हें किडनैप मैंने किया है। तुमने कहा किया, मुझे खुद ही भागना पड़ा घर से। हाँ तो क्या हुआ, दोनों एक ही बात है ना। तैफुर तुम ऐसे क्यों हो यार? कैसा हूँ मैं जरा बताओ तुम। आप फिर डर गई? हाँ बहुत ज्यादा। ये तो सर पे गोली लगने का असर है, तुम अज़राइल की जैसी लग रही हो। कौन है अज़राइल? तुम उसे नहीं जानती, जानती होती तो यूं बात नहीं करते। हमें जाना होगा, चलो अब। तैफुर, तैफुर तुम कहाँ हो, कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, अरे कुछ तो बोलो अभी। मैं भला आपसे बात क्यों करूँ, आप तो तैफुर को ही बुला रहे हैं अभी तक। हम लुट गए, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा क्या हो गया कि आप कह रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, पहले बताओ तो सही मुझे। जिनको तुमने अपना फुटबॉल मैदान बेचा वो लोग एक नंबर के फ्रॉड निकले, उन्होंने तुरंत ही वो जमीन कहीं और बेच दी, वो वहाँ अपार्टमेंट्स बनाने वाले हैं, मैंने तुम्हें आगाह किया था। आप भी ना, ये इतनी भी बड़ी मुसीबत नहीं है अंकल आसिफ, ठीक है, पुलिस और कानून ही जैसी कोई चीज है, हम उनके पास जाके उनकी कंप्लेंट कर देंगे, आप फिक्र मत कीजिए। दरअसल एक और दिक्कत है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? क्या परेशानी है बताइए मुझे, मैं मरा तो नहीं हूं ना, उससे बुरा क्या होने वाला है? जमाल का टैक्सी से एक्सीडेंट हो गया है, जमाल कोमा में है, कार टूट चुकी है, तुम्हारे पैसे जमा करने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। हाँ तो केमाल तो जिंदा है ना, फिक्र नहीं करनी चाहिए, हम आखिरकार कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे अंकल वासिफ, आप ज्यादा मत सोचिए उसके बारे में। तैफुर, ये जगह हाँ वही जगह। यहीं पे आप खुद से मिल पाओगी, अगर यहाँ खुशी मिले तो यहीं रह जाना, और अगर आप यहाँ पर भी ना खुश रही तो ना खुश होना सबसे ज्यादा मुमकिन होता है, और कुछ लोग तो जिंदगी खुल के ही नहीं जीते हैं ताकि ना खुश ना होना पड़े, पर अपना दिल उसी जिंदगी में कहीं पर छोड़ आते हैं। अब आप यहाँ पर हो और दूसरी तरफ लौटना मुश्किल है, यहाँ सिर्फ घोड़े ही आपके मददगार हैं। मुझे घोड़े कैसे मिलेंगे?
एमएनए एमएनए प्लीज वेलकम वेलकम। मुझे पता था कि तुम आओगी, या बोलूं कि तुम मेरे पास लौट के जरूर आओगी। एमएनए हम फिर से शुरू कर सकते हैं, तुम और मैं। तुम्हें ना चुनके मैं हमेशा हमेशा दुखी रहा, सच हमेशा दुखी। पर मुझे पूरा यकीन है कि हम फिर से शुरू करके सब कुछ एकदम ठीक कर देंगे। लेकिन तुम भी मेरे ऊपर यकीन करो, तो तुम तैयार हो जाओ, हमारा प्ले एक मिनट में शुरू होने वाला है। वही रंगीन मोजे आज भी उतने ही प्यारे लगते हैं। एमिने थैंक यू सो मच कि तुम यहां पर आ गई, या ये बोलू कि मेरे पास लौट आई। अच्छी जगह ढूंढी तुमने इस बार, कूदने के लिए एकदम सही। यहाँ से कूदेंगे जरूर मर जाएंगे। तैफुर रुक जाओ, तुम गिर जाओगे। हाँ तो गिरने के लिए ही तो आए हैं हम यहाँ मिलिस। तैफुर तैफुर मुझे ऊंचाई से डर लगता है, नीचे चलो। क्या चलते हैं। अच्छा वैसे यहाँ से कूदेंगे तो नीचे ही जाने वाले हैं। नहीं मैं नहीं कूद सकती, मुझे मॉम के पास जाना है। अरे तुम डर क्यों रही हो मेलिस, हम पंछियों की तरह उड़ेंगे और हमारी रक्षा करेंगे आसमान के परिंदे। और पता है कहाँ ले जाएंगे? आसमान के किसी महल में जहाँ बगीचे होंगे, जहाँ हमारे लिए सिर्फ आराम ही आराम होगा। एंजल्स और वेटर्स महंगे जूते पहनकर हमारी सर्विस के लिए 2400 घंटे तैयार रहेंगे। और इतना ही नहीं, ये एंजल्स यहाँ वहाँ हर जगह से उड़कर हमारे सामने झुकेंगे। बहुत मजा आने वाला है मेलिस। वाह वाह।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, और मुझसे भी बड़ी गलती हुई है। मुझे मेरी माँ चाहिए। और मुझे भी, सच कहती हूँ, बस एक बार मुझे वो मिल जाए, मैं घर के बाहर कभी कदम नहीं रखूंगी। एक चिड़िया अपने पक्षी के पंख सहलाती है और एक गुलाम अपने मालिक की कदर करता है, और मुझे भी मेरा खोया हिस्सा मिल गया है। मैंने सोचा प्यार नहीं जिया, कभी लगा नहीं कि कोई मुझे चाहता है, और यही मैंने खोया। फिर जो आज हुआ अच्छा हुआ। उस औरत पिराए ने दरवाजा बंद किया और स्टेज पर चली गई। वही हुआ जैसे हुआ था। अब मैं अकेली हूँ। यही अकेलापन तो चाहती थी, पर अपने बच्चों को खोने की कीमत पर नहीं चाहती थी। हर चीज की कीमत होती है। रोमियो, रोमियो, कहाँ हो तुम? रोमियो, अपने पिता और उनके नाम को त्याग दो। तुम्हें मेरे प्यार की कसम, मैं तीर कमान या गुलेल बनने से इनकार करती हूँ। रोमियो, बहुत अच्छे। अब इस मोड़ पे क्या मैं सुनूं या अपने दिल की बात कहूं? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। तुम लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? ऐसे ही बोला जाता है क्या? फीलिंग्स के साथ बोलकर दिखाओ। मॉम, मॉम, मिसेस एमिने, मॉम, मिसेस एमिने, मॉम, मॉम, चाहिए, मॉम, आंखें खोलो, मॉम, मॉम, उठिए, मॉम, मॉम, उठिए, संभल के, मॉम, मिसेस एमिने, मॉम, मॉम, उठिए, प्लीज, सेवाती नब्ज देखो, इनकी नब्ज देखो, आंखें खोलो, मॉम, मदद कीजिए, उठ जाओ, मॉम।